में 19वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। सरकार की मध्यस्थता से नहीं बन रही बात। किसान संगठनों में पड़ी दरार। आंदोलन में शामिल हैं देश भर के 32 संगठनों के किसान। एयर इंडिया की नीलामी में आगे आया टाटा समूह। एयर एशिया के जरिए बिड में दिखाई दिलचस्पी। घाटे से उबारने सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना चाहती है मोदी सरकार। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कई मंत्री। संजय सिंह बोले, किसानों की दुश्मन है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल। ट्वीट कर दिलाया याद, सिर्फ जुमलेबाजी में अटकी है सरकार। किसानों का हित सोचती तो नहीं चलता आंदोलन। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए हैं। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है। और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। अगले साल जनवरी महीने में गोवा में आयोजित होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हाइब्रिड स्टाइल में होगा फेस्ट। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। 16 नवंबर को होना था फेस्टिवल, कोरोना के कारण बढ़ाई गई तारीख। और महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार का उद्धव सरकार से सवाल। जब लोकल रेलवे से नहीं फैल रहा कोरोना तब विषय समितियों की बैठक पर पाबंदी क्यों? महाघाड़ी सरकार ने ठप रखी है विषय समितियों की बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा पुस्तक विधानसभा नियमाचं दिग 320 नियम त्यामध्ये दिग आहे। इथं आल्यानंतर तुमचं हृदयापासून अभिनंदन की अतिशय उत्तम व्यवस्था। म्हणजे कोरोना, कोरोनाचा बाप, कोरोनाचा आजोबाई विचार केला तरी या सभागृहात शिरू शकणार नाही एवढी उत्तम व्यवस्था तुम्ही केली, अभिनंदन। पण अध्यक्ष महाराज, याची नियमावली ठरवणार आहात की नाही? कामकाजाची नियमावली ठरवण्याची आवश्यकता आहे। मुंबई एयरपोर्ट पर गिरा अभिनेत्री जूही चावला का हीरे का झुमका। तलाशने में जुटी पुलिस। ढूंढ कर लाने वाले को मिलेगा नकद इनाम। टर्मिनल 2 पर गायब हुआ था झुमका। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन शुरू। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का हल्ला बोल। बहस से भाग रही उद्धव सरकार। 2 दिनों तक चलेगा अधिवेशन। महाराष्ट्र का सत्र चालू हो रहा है। ये सरकार चर्चा से भागने वाली सरकार है। मात्र एक दिन का अधिवेशन इन्होंने लिया है, उसमें भी केवल 6 घंटे चर्चा होगी। उसमें भी 10 बिल उन्होंने डाल दिए ताकि किसानों के विषय पर, मराठा आरक्षण के विषय पर, ओबीसी के विषय पर चर्चा ही ना हो। इस प्रकार का ये दाव खेलने का प्रयास इस सरकार की ओर से हो रहा है। लेकिन विपक्ष के रूप में हमने तय किया है कि राज्य में किसानों की परिस्थिति बहुत खराब है। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए हमने यह तय किया है कि इस प्रकार से किसानों पर अन्याय करने वाली, मराठा समाज पर, ओबीसी समाज पर अन्याय करने वाली जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। और नवी मुंबई में बीजेपी नेता माधव भंडारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन को बताया राजनीतिक साजिश। पनवेल में बोले, किसानों को बरगला रही है विरोधी पार्टियां। आंदोलन के नाम पर पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीमा पर जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से लोगों में कई सवाल पैदा हो रहे हैं, कुछ भ्रम पैदा हो रहे हैं। और केंद्र सरकार ने कृषि विषयक जो 3 कानून किए हैं उसके बारे में भी गलत फहमियाँ पैदा हो रही है। ये गलत फहमियाँ दूर करने के लिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्रकार परिषदों का आयोजन किया गया है।
बेमौसम बारिश से गिरा नवी मुंबई समेत उपनगरों का तापमान, 2 महीने पहले ही ठंड और कोहरे का बना आलम, ऊनी कपड़ों की बढ़ी डिमांड। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।